तस्वीरें और इस शख्स की करहाती आवाज इसका दर्द बयां कर रही है। इन दिनों सबसे ज्यादा सदमे में गाजावासी हैं। उनका सब कुछ तबाह हो चुका है, न रहने को छत बची है, न खाने को खाना। चाहे हमास मिसाइल दागे या इजराइल, निशाना गाजावासी ही बन रहे हैं। अब गाजा के एक अस्पताल में विस्फोट ने गाजा के लोगों की हालत और भी दयनीय कर दी है। इस अस्पताल में हुए भीषण विस्फोट में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 500 लोगों की जान चली गई है। गाजा में रहने वाले लोग दया की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि मरने वालों की संख्या पहले ही 3,300 से ज्यादा हो चुकी है और वो अभी भी बढ़ रही है। देखो लोगों के साथ क्या हुआ, हम पर दया करो। जो कुछ भी हो रहा है वो शर्म की बात है। देखो लोग कैसे मर रहे हैं, वे सभी नागरिक हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है। वहीं इस युद्ध के बीच इजराइल की कैबिनेट ने कहा है कि देश का लक्ष्य हमास को धरती से मिटा देने का है। इजरायली सेना ने घोषणा की है कि उसका अंतिम लक्ष्य हमास के शीर्ष राजनीतिक और हमास संगठन से जुड़े हर सदस्य को मिटाना है।